अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इनिशियल टेस्ट पैटर्न शेयर करना है एलसीसी गर्ल्स के लिए, लेडी कैडेट कोर्स जो पाकिस्तान आर्मी के अनाउंस होते हैं उसका इनिशियल टेस्ट पैटर्न। तो ये इनिशियल इस लेडी कैडेट कोर्स में मुख्तलिफ कॉर्प्स या कॉर्प्स की सब्जेक्ट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स अनाउंस होते हैं, तो उस हिसाब से जो उनके एकेडमिक पोर्शन है वो भी हमें डिफरेंट ही होंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी। सबसे पहले लेडी कैडेट कोर्स के जो टेस्ट है उसका टू पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले इंटेलिजेंस और सेकंड एकेडमिक। इंटेलिजेंस जो होता है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए पार्ट जो होता है वो वर्बल क्वेश्चंस का होता है और बी जो पार्ट होता है वो नॉन वर्बल क्वेश्चंस का होता है। वर्बल क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीरीज वर्ड्स मतलब के वर्बल टाइप वर्बल ही होते हैं, मींस के आपको एक स्टेटमेंट की शक्ल में वो पूछेंगे, जबकि नॉन वर्बल जो होते हैं वो फिगर्स की शेप में आपसे पूछेंगे। सो ये डिफरेंस जो है वर्बल और नॉन वर्बल में होगा, मतलब होता है। सो सबसे पहले आर्मी का इनिशियल में आपके सामने इंटेलिजेंस पोर्शन आएगा, जब आप ओपन करेंगे टेस्ट तो सबसे पहला पोर्शन वर्बल होगा। वर्बल के टोटल जो क्वेश्चन है वो 84 है और टाइम आपके पास 30 मिनट्स है। और वर्बल के बाद जब आप अगला कंप्लीट करेंगे तो अगला पोर्शन आपका नॉन वर्बल का होगा, उसके 64 क्वेश्चंस हैं और टाइम लिमिट है 30 मिनट्स। अच्छा चले, जब आप ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो स्क्रीन पे या तो फेल आ जाएगा या पास आ जाएगा। अगर फेल हुआ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, अगर पास हुआ तो प्रोसीड टू नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंटेलिजेंस है ना, सबसे पहले आपके पास जो वर्बल पोर्शन होगा, क्योंकि टाइम कम है, 84 क्वेश्चंस 30 मिनट्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि मतलब आपसे फौरन इतनी जल्दी सॉल्व ना हो, तो सबसे पहले आपने ये टेक्निक अपनानी है कि जो आपको आता है आपने वही करना है, जो आपको नहीं आते आपने स्किप करना है। जो आप क्वेश्चन स्किप करेंगे वो आपके जो भी पीसी होगा उसके साइड पे एक बार में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की शेप में लाइन में आ जाएंगे। जब आप 84 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं जो जितने आपने किए हों और जो भी अनअटेम्प्टेड हो, तब जाके आपके पास जितना टाइम बचे उसमें वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप सारे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम तो अल्लाह हाफिज हो गया, आपका टाइम आउट हो गया। सेम नॉन वर्बल जो है वो नॉन वर्बल इजी होते हैं, वो आप लोग 64 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट्स इजीली कर लेंगे, बल्कि 30 से भी पहले कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पोर्शन एकेडमिक का, एकेडमिक के जो है वे 50 क्वेश्चन आएंगे, ये सब्जेक्ट के बेसिक्स होंगे, जैसे कि लेडी कैडेट कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स अनाउंस होते हैं, सो एकेडमिक पोर्शन भी हर किसी का डिफरेंट होगा। किसी ने अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कोई दो को और कोई न्यूट्रिशन ह्यूमन H&D का है तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स वालों का सेपरेट आएगा और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वालों का सेपरेट आएगा। तो जहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी का सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसका जो एकेडमिक पोर्शन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक्स पूछेंगे, और अगर किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। सो इन शॉर्ट एकेडमिक जो होगा वो आपके सब्जेक्ट की बेसिक्स होंगी। तो अगर एकेडमिक अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स रेडी करें, ना कि जनरल नॉलेज ये वो सारे सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स या ग्रेजुएट कोर्स जो है PMA का उसके लिए होते हैं, जो सब्जेक्ट के लिए जो लेडी की शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनमें हमेशा जो है ना जो आपका टेस्ट होता है वो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट की बेसिक्स से आता है। तो अब इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जब आप ये भी सेम उसी तरह 50 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ आएगा, और या अगर इनिशियल आपने एकेडमिक फेल किया तो आपका बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आएगा। तो ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है कि आप ये सब पोर्शन आप लोगों ने क्लियर किए हों तभी तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। सेम अगर आपने इंटेलिजेंस फेल कर लिया है तो इसका मतलब आपका टेस्ट फेल है, अगर आपने इंटेलिजेंस क्लियर कर लिया और एकेडमिक फेल कर लिया तब भी आपका टेस्ट फेल है। सो ये मस्ट है कि आप एकेडमिक भी क्लियर करें और इंटेलिजेंस भी क्लियर करें। तो अगला टेस्ट पैटर्न जो आपका है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वर्बल क्वेश्चन 84 क्वेश्चन 30 मिनट्स, नॉन वर्बल 64 क्वेश्चन 30 मिनट्स, एकेडमिक 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, फर्दर इसकी जो डिटेल है बेसिक क्राइटेरिया जो है वो उसके ऊपर वीडियो भी प्रिपेयर हो रही है, जो ऑलमोस्ट एक वीक और लग जाएगा उसको कंपाइल करते करते, तो वो भी इसकी डिटेल आपको अपलोड हो जाएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।